कीचू अपने एरोप्लेन के साथ आ चुका है मेरे स्टूडियो में। गोगी इसको छोड़ दो, पापा का वर्क फोन है। ओके फोन से नहीं खेलना, इधर आओ। या दैट्स अ बाइक। चलो अभी दादी से बात करेंगे। 7:30-8 बज रहे हैं मेरे ख्याल से इस समय। हम दोनों जल्दी सो गए थे, मैं कीचू तो दोनों जल्दी उठे हुए हैं। दिव्या लेट सोई थी और कुछ काम कर रही थी अपने लैपटॉप पे। आई थिंक ऑफिस का कुछ प्लानिंग व्लानिंग कुछ करनी थी उसको। बात कर रहा है घर पे मम्मी से और विंटर से। Yeah, he got up because you said, I'm watching you. देखो आंखें ऐसे कर रहा है। हाँ। I'm watching you, Winter. Are you excited? जी नमस्ते दादी। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। पापा को एक्सरसाइज करके दिखा रहा है कि तू। Can you do the boxing like that? Kichu, she is here. Idhar, idhar. In my room. In the studio. Come, look. Hey. नीचे लुक प्रॉपरली। बेचारा आके 3 बार जा चुका है कि मम्मा का दे। आठ दे अगेन। यहाँ पे बन गई चाय, यहाँ पे उबल रहे अंडे, ये हो गया ब्रेड, वहाँ बैठे हैं कीचू। मैं पहुँच चुका हूँ जिम, आज मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग है। देखते हैं अंदर कोई एतराज़ तो नहीं जताता कोई, क्योंकि उस दिन वो बोल रहे थे कि अगर कोई डिस्टर्ब होगा और आपकी कंप्लेन करता है अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हो तो हम वी विल नॉट अलाउ यू टू कंटिन्यू ऑन इट। और वैसे भी ना सब लोग चाहते हैं कि इधर से ट्रेनिंग ली जाए, लेकिन हमें कम्फर्टेबल हो गए अपने इंडिया वाले ट्रेनर के साथ, तो लेट्स सी। जिम ओवर। देख रहे हो ऐसे कैप्सूल है। दिन है आज सनी एकदम, अच्छा लग रहा है, हवा लग रही है थोड़ी थोड़ी। ओके आई एम टीचिंग कीचू अ सॉन्ग। ओके ओके रेडी, रिपीट आफ्टर मी। ओके गोरी गाय ब्याई थी। अच्छे से कीचू, अच्छे से से गोरी गाय ब्याई थी। से इट शैतान को अब बनाने की जरूरत नहीं, जो अच्छे से कर लो प्लीज। ओके गोरे बच्चे लाई थी। एक शुरू से, गोरी गाय ब्याई थी। गोरी गाय ब्याई थी। गोरे बच्चे लाई थी। गोरी बच्चे लाई थी। एक बच्चा खो गया। एक बच्ची हो गया। एक बच्चा हो गया नहीं, एक बच्चा खो गया। एक बच्चे खो गया। ढूंढते 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 Are you ready? Yeah, I got to be. Repeat after me, okay? Okay. अच्छे से कीजिए। Okay. गोरी गाय ब्याई थी। Say it. गोरी गाय ब्याई थी। गोरे बच्चे लाई थी। गोरी बच्चे लाई थी। एक बच्चा खो गया। एक बच्चा हो गया। एक बच्चा खो गया तो हो गया कर। एक बच्चा हो गया। एक बच्चा खो गया। एक बच्चे एक एक बच्चा बच्चा खो खो गया गया। कैसे अंग्रेजी से कर रहे हो ये एक्सेंट इसकी। एक बच्चा हो गया। किचू अच्छे से बोलो, पापा मेरे को वो करेंगे। किसे सिखाते नहीं है इसको हिंदी। कोई कोई प्याई थी। यस घोड़े बच्चे लाई थी। कोई बच्चे लाई थी।
गाय बच्चा लाई थी, क्या होता है? गई और हिंदी की प्रैक्टिस हो गई। मैंने कहा ही था ना अभी आपको कि पापा सुन लेंगे ना ये। गोरे बच्चे लाई थी, थी। बच्चे नहीं बच्चे, बच्चे गोरे बच्चे जी पकड़ के बोल रहा है कीचू। गोरी गाय आई थी, आई थी नहीं ब्याई थी, ब्याई थी कीचू। इधर देखो कीचू, गोरी गाय ब्याई थी, गोरे बच्चे लाई थी, बच्चे लाई थी नहीं, इधर आओ गोरे बच्चे गोरे बच्चे लाई थी से बच्चे बच्चे नहीं बच्चे ये जैसे बोल रहे वैसे मैं बोल ही नहीं सकता। गोरे बच्चे लाई थी नहीं, गोरे बच्चे हेलो कीचू बेड टाइम मैडनेस कीचू गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के क्या टाइम क्या हो रहा है समय? 8 बज रहे हैं, 8:15। और दिव्या तो निकल चुकी है मेरे ख्याल से, नीचे देखता हूँ खींचू गया कि नहीं नर्सरी। मैं उठाऊँ अभी अभी क्लाइंट के कॉल से। गर्मी इतनी हो गई इस कमरे में कि मैं सोच रहा हूँ सेटअप जो है वो इस दीवार पे कर दूँ, यहाँ से हटा के यहाँ पे, ताकि विंडो का एक्सेस मिल जाए। फिलहाल आप देख सकते हो विंडो मेरे बिल्कुल सामने है, तो एक तो लाइट पड़ती है डायरेक्ट आंखों पे अगर मैं खिड़की खोलता हूँ, और विंडो एक टेक्निकली यूज़ नहीं हो पाती। फाइनली मेरे रूम का सेटअप शिफ्ट हो चुका है। एक इशू है बस, ये सारे पैनल्स यहाँ लगे हुए हैं तो ये वाली वॉल एकदम डेड है इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, और यहाँ पे है विंडो, तो इस वजह से ये रूम पहले जो सेटअप था ना अकूस्टिकली सबसे बेस्ट सेटअप वही था कि यहाँ मैं सेंटर में रखूँ अपना सेटअप, दोनों तरफ मुझे वॉल्स मिल जाती हैं जो मैंने ट्रीट कर ली थी, और पीछे बैक वॉल एकदम मैंने डेड की हुई थी। पर कोई बात नहीं, इस रूम की भी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, साउंड की आदत मतलब डालनी पड़ती है आपको। जब आप रूम में कुछ शिफ्ट करते हो या रूम शिफ्ट करते हो या कोई नए स्पीकर लेते हो तो आपके कानों को थोड़ा टाइम लगता है ट्रेन करने में कि हाँ अब इस तरह का साउंड आएगा। तो अभी मैं जो मेरे कुछ गाने हैं जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है अपने कुछ सॉन्ग्स की जो मैं सुनता हूँ किसी भी रूम में सुनता हूँ और मैं अपने कानों को ट्रेन कर सकता हूँ उन 10 गानों से, तो होटल कैलिफोर्निया में सुनता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा इट शुड साउंड लाइक दिस, तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ना मेरे दिमाग में बसा हुआ है उस गाने का, तो वो मैं किसी भी रूम में सुन के आई कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा दिस इज हाउ दिस रूम इज रिस्पॉन्डिंग टू दिस यू नो सेटअप जो स्पीकर है। दिव्य आ चुकी हैं घर क्योंकि इनका वर्क फ्रॉम होम हो गया है, और वर्क फ्रॉम होम में लेकिन ये कुछ इंटरेस्टिंग सा नाश्ता बना रही है मुझे ऐसा लग रहा है। नाश्ता रेडी, ये सब मेरा नहीं है, ये सब हम मिल के खाने वाले हैं, सब लोगों को लग रहा होगा अर्जुना सब पेलने वाले हैं। बहुत ऑलमोस्ट डन है, मुझे इसके बाद मैं जा रहा हूँ कीच को पिक करने। तो वर्क फ्रॉम होम डे ओवर हो चुका है और बस अब मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। आर्यन चला गया है बर्मिंघम अपने फ्रेंड्स के पास 2 दिन, और अर्जुना गए हुए हैं जिम और कीचू को लेके आएंगे। भूख लग गई है बहुत ज़्यादा, और अब अर्जुना जब से आया तब से थैंकफुली थोड़ी बैलेंस डाइट चल रही है और प्रोटीन भी बढ़ गया है अब हमारी डाइट में, तो मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ ऑल्टरनेटिव्स क्या खाए क्या खाए ऐसा प्रोटीन रिच। एनीवे आज है डिनर, अर्ली डिनर मैं क्योंकि इंटरमिटेंट भी वापस शुरू करना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो रिलीजियसली फॉलो नहीं किया है, तो अब
वापस से ऑन पॉइंट, तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मेरे डिनर बोल में क्या क्या सब्जियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है मेरा हेल्दी बोल, ये है कसकस विद वेजिटेबल्स, पनीर है जो ग्रिल्ड है बहुत ही कम ऑयल में, और ये है दही जिसके अंदर है आपका लेटस और क्यूकम्बर। अब अर्चना जिम से आएंगे तो तब खाएंगे, मुझे लग रही है भूख तो मैं अभी खाने वाली हूँ, क्योंकि दोपहर को हमने लंच नहीं किया था, हमने लेट ब्रेकफास्ट किया था। यार बारिश, मतलब समझ नहीं आया मुझे क्या मौसम है, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, अभी कीचू को पिक करने जा रहा हूँ। अब बारिश, कीचू खाना खाया आपने? हाँ जी कीचू बताओ। हाँ जी मम्मा घर पे है, मम्मा वॉज वर्किंग फ्रॉम होम टुडे। ओके चले पापा। That one is bigger.